बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद ग्रामीण थाना पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और FSL टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। अज्ञात व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद ग्रामीण थाना पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और FSL टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। जानकारी के अनुसार बकरियां चराने वाले शुक्रवार शाम को अंधेरा होने के बाद बकरियां लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान मारवाड़ होटल के पास नेशनल हाईवे 68 के किनारे खाली भूखंड में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम ने बताया कि शुक्रवार रात्रि में स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 68 मारवाड़ होटल के पास एक खाली भूखंड में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसके बाद ग्रामीण थाना पुलिस FSL टीम के साथ स्वयं मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना किया तो एक व्यक्ति जिसके सफेद रंग का शर्ट पर जींस पैंट पहनी हुई है और हाथ में घड़ी भी बंधी हुई है, जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला है। अज्ञात व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मारवाड़ होटल के लेफ्ट साइड में जैसलमेर रोड पर एक खाली प्लॉट में एक बॉडी की सूचना मिली थी। जब थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और इन्होंने कंट्रोल को भी बताया तो अभी इनके शिनाख्त हो नहीं पाई है और ये अज्ञात शव को अभी मोर्चरी रूम में रखवा रहे हैं। कल इसकी पहचान हेतु कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ही उसका अगली कार्रवाई की जाएगी। कपड़े जींस और सफेद शर्ट लग रहा है, हाथ में घड़ी भी है और जूते हैं जो एक साइड में रखे हुए हैं। वहीं घटनास्थल से FSL टीम ने सूक्ष्मता से जांच कर साक्ष्य जुटाए। शव को पुलिस के कब्जे में लेकर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की शिनाख्तगी के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू किए। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि से अज्ञात व्यक्ति का शव 1 से 2 दिन पुराना लग रहा है।